इतना लेट क्यों आया? गुड मॉर्निंग टू यू टू। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? ये देखो ओट्स, कौन खाता है नाश्ते में? बीमार लोग? मैं बीमार हूँ क्या? ओट्स में फाइबर होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। मालती सुनो। हाँ। देखिए, अगर आप ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं करेंगे तो मैं इंजेक्शन कैसे दे पाऊंगा? फिर से बोल दिया बनाने को, चुपचाप खा लीजिएगा। अरे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको अब इंजेक्शन ऐसे ही दे दूंगा, और अगर कोई रिएक्शन हो ना तो मुझे बोलना मत फिर आप। ये लीजिए, मसाला डाल दिया है। खाइए। खा रहा हूं, जान लोगे क्या? थैंक यू। वैसा इतना बुरा भी नहीं। थैंक यू। अरे आप उठ गए? चलिए, वैसे भी आपके वॉक का टाइम हो गया है, और तब तक मैं चाय के लिए भी बोल देता हूँ। हाँ चलते हैं। चलिए। अरे मेरा बस चले तो आज ही चला जाऊँ कनाडा, पर ये वीजा कहाँ पर अटका है मुझे पता नहीं। इसी बहाने तुम्हें मुझसे छुटकारा तो मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे आपसे छुटकारा चाहिए या आपको मुझसे? सच बताओ तो मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ कनाडा। आई एम सीरियस। पर हाँ, हर टाइम मैं तुमसे बात करता हूँ तब तुम मजाक में ले लेते हो। या राइट। फिर बोलते हो मैं मजाक में ले रहा हूँ। चाय? वैसे आपकी पहले वाली नर्स मिली थी मुझे, बता रही थी मुझे आपके बारे में, आपके गुस्से के बारे में। क्यों हमेशा 24 घंटे ग्रंपी रहते हो? थोड़ा तो हंस लिया करो, है? पता है सेहत के लिए हंसना अच्छा होता है, और दूसरों के लिए भी। अच्छा, तो 3 महीने से तुम क्यों टिके हुए हो? अगर इतना बुरा होता तो तुम भी चले जाते ना। हम, और वैसे भी मोहताज थोड़ी हूं मैं किसी का। ओके, तो आप अपने बेड तक अकेले चले जाएंगे ना? डोंट वरी, आपको जब भी आपके रूम में जाना हो मुझे बता दीजिएगा, आई विल टेक यू देयर। Hey, I lost Siddharth's number. WhatsApp पर भेजना। Are you serious? इस बात के लिए तूने मुझे कॉल किया है? Am I missing something? Shitij, we just had an argument in the morning. मैं झगड़ा करके जॉब पर आया हूँ। आई मीन आर यू सीरियस? माफी मांगने की जगह पर तुम मुझसे ये नंबर मांग रहे हो? अरे सुनो, अरे मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है। माफी ना सही, एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेते, बट नहीं, एज ऑलवेज इग्नोर ही करना है तुम्हें। अरे मुझे क्या पता, अब तक नाराज उस बात को लेकर। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, अब से ऐसा नहीं होगा। अब तो दे दो नंबर। यू नो व्हाट, यू आर अनबिलीवेबल। ठीक है, आई एम कटिंग ऑफ द फोन। शरण रुको। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड, नन ऑफ योर बिजनेस। पर तुम इतना ग्रंपी क्यों हो रहे हो? सॉरी। एक ग्रंपी ही दूसरे ग्रंपी को समझ सकता है। वैसे शेयर कर सकते हो तुम मेरे साथ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है वो, क्षितिज मेरा बॉयफ्रेंड। आई मीन लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने भरा था, इस मंथ का उसे भरना था। मंथ एंड हो गया फिर भी लेट। I did it anyway. कोई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा। असल प्रॉब्लम कुछ और है। इतनी छोटी बात के लिए तुम इतना गुस्सा नहीं होते? अब बताओगे भी? बात यह है कि मैं और क्षितिज पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो आज भी मुझे अपने दोस्तों के सामने रूममेट्स की तरह ट्रीट करता है। आई कैन अंडरस्टैंड ही इज नॉट रेडी एट, बट मैं और वेट नहीं कर सकता एंड आई कांट। किसी शायर ने बखूबी कहा है, जो प्यार तुम्हें दर्द के अलावा कुछ ना दे वो प्यार नहीं है। रात में खाने में क्या बनाऊं? शरण। हाँ, मैंने पूछा रात में खाने में क्या बनाऊं? वैसे तो खिचड़ी बननी चाहिए, लेकिन रोटी सब्जी बनाते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, रात की दवाई मैं टेबल पर रख के जा रहा हूँ, ठीक है? मालती को बोल दूंगा, वो आपको दे देगी। और हाँ, प्लीज नो कंप्लेंट्स। यस बॉस। ओके, चलिए मैं निकलता हूँ। और सुनो। हाँ। बहुत छोटे हो अभी तुम, इतना सारा बोझ दिल पर रख के जीने की उम्र नहीं है तुम्हारी। और क्या सोचा है, क्या करने वाले हो तुम्हारी लाइफ में? ट्रैवल करना चाहता हूँ। हाँ? एक्चुअली ट्रैवल नहीं, कोई और सिटी में सेटल होना चाहता हूँ, थक गया हूँ इस शहर से। मैं शहर से भागना चाहते हो या खुद से? मालती ने चाय में क्या मिलाया था? बड़ी फिलोसॉफी झाड़ रहे हो। गलत बोला मैंने? ठीक है फिर, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। इतना गुस्से में क्यों है? सीरियसली, मजाक कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो? ओ कम ऑन यार, सुबह की बात को लेकर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है तू? यार छोड़ना है सब, इतना क्या दिल पे लेके बैठा है? आई सेड सॉरी ना। डिड यू? व्हेन? आई रियली डिडंट हर्ड यू सेइंग एनीथिंग क्लोज टू सॉरी। एनीवेज, सिद्धार्थ इज आस्किंग टू मीट ओवर द वीकेंड। उसे बेबीलोन के कुछ पासेस मिले ऑफर में। चले? नहीं। बहुत दिनों से नहीं मिला उसे। नहीं, मेरा मूड नहीं है। यू बेटर कंटिन्यू। डोंट ड्रामेटाइज एवरीथिंग यार। सीरियसली, ठीक है, एक शर्त पे चलूंगा, अगर तू सिड को बता दे हु वी एक्चुअली आर, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। यू वॉन्ट मी टू कम आउट टू सिड राइट नाउ? यस क्षितिज, यस। प्रॉब्लम क्या है? हम 4 साल से रिलेशनशिप में है क्षितिज, अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे? तूने बताया ना तेरे पेरेंट्स को? क्या नतीजा मिला? आई कांट लूज माई फ्रेंड्स लाइक दैट। बट यू आर रेडी टू लूज मी? यू नो इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। आई एम नॉट रेडी। I'm not ready yet. Kshitij, I love you. It's that simple. You are making complicated, yaar. बहुत हो गया अब। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं सह सकता और। It's better you decide. It's now or never. Wait. Are you breaking up with me? Hmm.
अगर तुम हमारे बारे में किसी को बता नहीं सकते तो या आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। नहीं प्लीज प्लीज डोंट टच मी। आई नो यू हैव पावर टू चेंज माई माइंड बट नॉट दिस टाइम। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। आई कांट। Fine then. We are done. We are done. क्या बात है, ब्रेकफास्ट तो बड़ी जल्दी खत्म कर दिया आपने तो। कांदे पोहे मेरा फेवरेट है। क्या हुआ, फिर से झगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड से? अब बोलो भी। वी ब्रोक अप। ठीक है, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तो चलोगे ना मेरे साथ कनाडा? मैंने कल रात में ही अपने बेटे से बात की है, वो सारी कार्यवाही पे रिसर्च कर रहा है। अगर तुम हाँ कहो तो आई वुड बी हैप्पी। खड़े हुई है।